नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विवेक शुक्ला, तनयश्री, ज्ञानेंद्र प्रसाद शुक्ला निवासी बोदाबाग, आनंद नगर, रीवा थाना विश्वविद्यालय जिला रीवा मध्य प्रदेश के निवासी हैं। कल दिनांक 1 मार्च 2021 को प्राति का पुत्र रात्रि 9 बजे समदरिया होटल नए बस स्टैंड से अपने घर आनंद नगर की ओर जा रहा था। प्राति के पुत्र की बुलेट अचानक खराब हो गई और स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो अन्य साथी दो पहिया पल्सर लिए थे, उससे बुलेट को टोचन करके खींच रहे थे। दोनों वहां धीरे धीरे चल रहे थे। जैसे ही सुभाष चौक के पास पहुंचे तो थाना प्रभारी अमैया श्री शिवा अग्रवाल सुभाष चौक के पास अपने अन्य पुलिस वालों के साथ आ गए। जैसे ही थाना प्रभारी वहां पहुंचा, लड़कों को रुकवाने लगे और डंडे से मारपीट करने लगे, तो पल्सर में बैठे लड़के डर के कारण भाग गए। प्रार्थी का पुत्र जो बुलेट में था वो वहीं पर रुक गया और थाना प्रभारी अमैया ने उसके साथ बिना किसी पूछताछ किए मारपीट करने लगे और अन्य पुलिस वालों ने भी मारपीट करी। प्रार्थी के पुत्र ने मारपीट का कारण पूछा तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला और बलपूर्वक बिना किसी अपराध के थाने ले गए और वहां पर भी प्रार्थी के पुत्र के साथ गंभीर रूप से मारपीट की और बुलेट मोटरसाइकिल में भी पुलिस वालों ने तोड़फोड़ की। प्रार्थी के पुत्र का मोबाइल तोड़ दिया और विवेक शुक्ला के हाथ का ब्रेसलेट भी छीन लिया और पर्स में रखा पैसा भी छीन लिया। प्रार्थी के पुत्र तो बोले कि बुलेट को अन्य बाइक से टोचन क्यों किए थे, ब्रेसलेट भी छीन लिया और पर्स में रखा पैसे भी छीन लिए। नाम नहीं देखा किसने किसने मारा है शिवा अग्रवाल के अलावा? सिविल डिफेंस थे थाने में और शिवा अग्रवाल ने मारा और उनके कांस्टेबल ने मारा। पीसीआर में बैठा के भी मारा, पीछे ले जाके भी मारा उन्होंने। कहाँ पर मारे हैं आपको? सुभाष चौक। आप काम क्या करते हैं? मैं MBHRD का स्टूडेंट हूँ, ITS। ये राजन शुक्ला जी का कोई आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम भी कर सकते हैं क्या? नहीं। कितने लोगों ने आपको मारा है? 3-4 लोगों ने। कौन कौन? जो भी पुलिस उसमें थे और उनके कांस्टेबल, उनका मैं नाम नहीं देख पाया। कांस्टेबल कितने थे? 3। कहाँ पे मारा आपको? सुभाष चौक के पास। क्या नाम है आपका? विवेक शुक्ला। आप कहाँ जा रहे थे? मैं संदरिया होटल से घर आ रहा था। आपकी गाड़ी भी खराब हुई थी, क्या हो गया? मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोग टोचन में लेके सभी दोस्त के साथ चले आ रहे थे। कहाँ पे आपके साथ ऐसी घटना? सुभाष चौक में। वहाँ से आपको थाने तक मारते हुए ले गए थे? इसी याद में बैठा के। भाई पता चला आपके भाई के साथ भी मारपीट हुई है? हाँ, भाई ने रोका कि मैंने बोला कि मेरा हाथ नहीं काम कर रहा, तो वो उतार रहा था तो पुलिस वाले उसे मार रहे थे, तो उन्होंने भैया ने बोला कि ये काहे की गुंडागर्दी चल रही है आप लोगों की, काहे ऐसे किसी को मार सकते, तो उसे अंदर ले जाके थाने में बहुत मारा है, सर पर पटक दिया है उसका भाई का। चलो, 9:30 के बीच में हमारा भतीजा विवेक शुक्ला द्वारा समदरिया होटल से घर जा रहा था, उसके गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो वो टोचन करके सिरमौर चौराहा से आनंद नगर की ओर जा रहा था। उसी बीच अमहिया थाना प्रभारी स्टाफ सहित उसकी गाड़ी रोके और गाड़ी में लात मार दी गई, तो गाड़ी उसकी गिर गई। गाड़ी गिरने के बाद उसको बेरहम से पिटाई की गई, उतना मारा गया, उसके बाद थाना ले जा के मारा गया और वो वहाँ जा के बेहोश हो गया। उसके बाद उसका बड़ा भाई अभिषेक शुक्ला पहुँचा, हमारा बड़ा भतीजा, वो पूछा जाके कि सर आप लोगों ने क्यों मारा? उसके इतना पूछते ही इतना ज़्यादा उसको मार दिया गया कि सर में चोटें आई। हम लोग रात में PCR वैन से, अमैया थाना प्रभारी के द्वारा PCR वैन से अस्पताल ले जाया गया, वहाँ भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में भी इतना ज़्यादा दबाव बना दिया गया कि वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया सर। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसी मामले में हम SP साहब को ज्ञापन देने आए थे कि इसमें हमको जाँच चाहिए और तत्काल निलंबन चाहिए। मारपीट की वजह क्या? कोई वजह नहीं थी सर, कोई वजह नहीं थी, सिर्फ उन्होंने बोला कि गाड़ी टोचन करके क्यों ले जा रहे हो? अब गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया सर, तो गाड़ी कैसे जाए बिना टोचन के? और मतलब हद हो गई सर, मतलब क्या किया जाए? SP साहब ने आश्वासन दिया कि CSP साहब इसमें जाँच करेंगे, जाँच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंकज शुक्ला है। जैसा कि डेली पुलिस का एक रूटीन होता है, उसी रूटीन पर थाना प्रभारी अमैया पैदल भ्रमण पर निकले थे। दो बाइक वाले बहुत तेज़ स्पीड में थे और पुलिस के साथ बदतमीज़ी भी की, रोकने का प्रयास किया गया क्योंकि उनकी ओवर स्पीड थी। इस दौरान अपनी स्पीड के कारण वो रोड पर गिर गए। पुलिस ने सहानुभूतिपूर्वक उनको हॉस्पिटल भिजवाया, जो भी छिल गए थे थोड़ा बहुत उसका ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद उनसे बातचीत की। उन पर यादी पीड़ित द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं पुलिस के ऊपर कि थाने में ले जा करके मारपीट की गई,
ये बहुत ही बेबुनियाद है। मैंने बात की थी थाना प्रभारी से और सबसे भी बात की थी। इसमें उनको एक तो हॉस्पिटल भिजवाया गया, उन लोगों ने अनावश्यक दबाव बनाया हॉस्पिटल में डॉक्टरों के ऊपर, उनको अनावश्यक 4 बजे तक हॉस्पिटल में रखा गया। खुद को उनके भाई ने आकर थाने में आके बदतमीजी की। आप एक मिनट ये बताइए कि पुलिस वालों का बेसिक काम क्या रहता है, लोगों में सुधार हो, शांतिपूर्वक माहौल रहे पूरे शहर में, इसीलिए पैदल गश्त किया जाता है। जैसे कि चेन स्नैचिंग बढ़ रही हैं या फिर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला है। मैं इतने सारे स्कूल कॉलेज में जाती हूँ, काफ़ी सारी लड़कियाँ मुझसे शिकायत करती हैं कि मैम बाइक वाले बहुत तेज़ स्पीड में आते हैं, बदतमीज़ी करके निकल जाते हैं। तो आप एक मिनट ये बताइए कि अगर ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगेगा तो काम कैसे चलेगा। तो मैं पूरे तरीके से थाना प्रभारी के साथ हूँ इसमें।